जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा पागल हो गया। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। मुझको वाओ क्या बात है, कहाँ से क्या दिन हो रहा है आज। मुझे बिट्टू लाके दे रही है नाश्ता, काम कर लेती हो। लड़का ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए, अब बढ़िया था कोई काम का जी। ओए लड़की शर्मा गई भाई, ओए तेरी ये ब्लॉग बना। सी में कहाँ जा रही हो? पानी में। पानी तो बहुत बरसता है मुंबई में, पानी पानी तो रहता है। सी के पास जा रही हो? ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर व्लॉग इन मुंबई। लेकिन यहाँ वाले सी में सैंड नहीं मिलने वाली क्योंकि हमें मुंबई में इतनी बारिश हो रही है। हाँ, सी नहीं मिलेगा। आज हम लोग का है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। रात को भी था हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज भी फ्रेंडशिप डे है और हाँ, युवा की तरफ से हमारी तरफ से हम लोग बैंड मनाएंगे जो हाथों में बांधा जाता है। हाँ, युवा मेरे लिए बैंड बनाएगी, बढ़िया था। और सबका मन है पता कहाँ जाने का? मन्नत। हाँ सबका मन है वहाँ पे। हे शाहरुख भाई हमारे युवा जवान से मिलोगी? जवान पठान से। कौन से किससे मिलोगी आप? सलमान खान, शाहरुख खान है ना? शाहरुख खान से मिलोगी आप? शाहरुख खान मिलोगे? पास टाइम ही नहीं है। फ्रेंड है लेकिन हमारे तो हमसे तो बात ही नहीं करते हैं। हमसे बात करते हैं? आपसे बात करते हैं? हाँ। अच्छा, बड़ा स्वैग दिखा रही हो। मैं छोटी थी तब मुझसे बात करते थे। अभी भी तो आप छोटी ही हो। दोबारे ग्राउंड में पहुंच गई हूँ। अब ना रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और सब एक्साइटेड हैं। हमें साथ दो और लोग हैं जिनकी वजह से हमें इस बरसात में जाना पड़ रहा है। पानी बहुत बरस रहा है, बारिश हो रही है, तो हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे चल रहे हैं पूरी पूड़िया, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बाहर जा रहे हैं। बड़ा पाव के अलावा हमको नहीं लग रहा कुछ मिलने वाला है और बारिश बहुत तेज हो रही है और हमें मज़ा आता है सी फूड खाने में। कल पानी का लाशें खाएँ जहर, मज़ा आ गया। एक ही आ गई हमारे साथ, इसको समझ नहीं आता हमने क्या बोला था। स्ट्रीट फूड, सी फूड शुरू न कर देना मुंबई में आके। सी फूड कितना केकड़ा खा रही हो? यो बोले हो नहीं, हमको लगा कि शायद क्या हुआ मुंबई की बारिश में पहली बार निकल रही हो। क्या प्लान किया है? पूरी बारिश में रेनकोट तैयार है, छाते और रेनकोट लेके निकल लेना हम लोग। जो वो नहीं है तौबा हीरो, तौबा वाला हीरो। हाँ। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 ज्यादा। तौबा वाले हीरो आपसे बहुत प्यार करते हैं? आप मिले हो कभी तौबा वाले हीरो से? नहीं मिले हो ना? यहाँ मिलते हैं, यहाँ मुंबई में मिलेंगे। हाँ। आपको तौबा वाला डांस करके दिखा दो उनको, तब मिलेंगे आपसे। मैंने उनको दिखा दिया था, वो कैमरे से देख रहे थे। अभी यहाँ दिखा दो, हम उनको वीडियो भेज देंगे बना के। तौबा तौबा वाला कर दो एक बार। आपके पास उनका वीडियो है? हाँ मेरे पास है, हम उनको भेज देंगे फोन पे। आप डांस आता है आपको तौबा तौबा में? हाँ। करके दिखाओ टीवी नहीं, ऐसे करके दिखाओ। क्यों? क्या बच्चे लोग लगाते हैं ये लिपस्टिक? नहीं लगाते हो, ऐसे ही अच्छी लग रही हो। चलो बच्चे लोग लगाते हैं ये। अच्छा लगा लिया आप? चलो देखो कहाँ लगा दिया, अच्छी लग रही हो। रेडी? तू हसीनों से मैं बिट्टू जी ख्वाबों में
हेलो गाइस, तो एज वी नो जीजा जी पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसे लोकल साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। जो भी देखने को मिल जाएगा, जो भी ओपन होगा, हर चीज देख लेंगे। आज हम जा रहे हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया और वाया अटल सेतु। गड्ढे थोड़े ज्यादा है तो कैमरा स्टेबल नहीं हो पा रहा, गलत रास्ता आ चुके हैं और हो सकता है आगे चलते चलते गोवा पहुंच जाएं। सो नो रिग्रेट्स, तुमको ऐसा पता है ना। हाँ, मतलब कहीं भी पहुंच जाएं, हर ही जगह अच्छी है। थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते हम ट्रैक लेन में आ गए थे, यहाँ रास्ता थोड़ा खराब है तो आपको ये लग रहा होगा कि हम कैसे अप एंड डाउन रास्ता चल रहा है। अभी वी आर ऑन द राइट ट्रैक अगेन। दोस्तों रास्ता बहुत ज्यादा सुंदर है, आप में से पहले वाला मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा, आपने देखा होगा अटल ब्रिज। अटल सेतु क्या जबरदस्त लग रहा है भाई, तुम लोग चढ़ने वाले हैं बस अटल सेतु पे, निकलना है। थोड़ा पीछे वालों को भी ले ले, कवर कर लेते हैं। गर्ल्स आर यू रेडी? यस, आई होप सबका फेस आ रहा हो। चलो सी यू लेटर एलिगेटर। यहाँ पे आ गया टोल, टोल सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे पड़ता है 250 rupees वन साइडेड टोल। शिट, क्यों भाई? 250 rupees मतलब मुंबई में तो है। हाँ, स्टिल लेकिन कैश बहुत जल्दी दूर से करता है, मतलब पहले इसने गाड़ी हमारी कैश कर ली थी। तो भैया हमारे टैक्स के पैसों से हमने ये ब्रिज शानदार गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया है, जबरदस्त ब्रिज बनाया है, और फिर से चलने के लिए दोबारा टैक्स देना पड़ रहा है टोल टैक्स के रूप में, वो भी 375 rupees पर डे अगर हम आना जाना करते हैं, 250 rupees पर साइड। तो आई थिंक अगर जो लोग टैक्स देते हैं उनके लिए चाहिए टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि बना तो हमारे पैसों से ही है। Exactly. तो फिर चलते भैया, और हम फाइनली अब अटल ब्रिज पे चल चुके हैं और हम जाने वाले हैं, अभी पहुंचते हैं चर्च गेट जाएंगे। चर्च गेट पे अब संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे तो मेरा वहाँ ऑफिस है बट नॉर्मल डेज में वहाँ उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आ जाने वाला है। आज लोगों ने बोला था संडे को जाना, वहाँ पर हेरिटेज गाड़ियाँ भी लगती हैं लाइन पर, वो भी देखते हैं। मरीन ड्राइव पर सफ़र करेंगे, कहीं रोड साइड चाय पियेंगे, चलते हैं। सहरा बांध के माही तू मेरे घर आना, सिंगल भी है अभी तक, मेरे लिए वेट कर रहा है। वेट नहीं कर रहा बट अ गुड गर्ल वाज प्रेइंग फॉर हिम सो ही इज सिंगल। वेरी गुड। तो दोस्तों अभी भी ब्रेकिंग न्यूज पता चली है, सलमान खान के सिंगल रहने का कारण क्या था, ये लड़की व्रत कर रही थी। तो गाइस हम आ चुके हैं चर्च गेट पे, आए हुए हैं तो चर्च गेट पे, ये है दलाल स्ट्रीट। हमारे पीछे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग दिख रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये टीवी में देखा होगा। ये
हाँ फोटो खींच रहे हैं आपका। ओए क्या बात है भाई, वो क्या दिख रहा है? किटन दिख गई। ओए ओए चूना नहीं कट्टू कर लेगी। युवा को किटन बहुत ज्यादा पसंद है, जब हमने बताया था हम रास्ते में जाते हैं बहुत सारी किटन मिलती हैं, तो युवा कह रही थी नहीं पापा मुझे चाहिए, तो यही किटन मिलती थी हमको, युवा जो बाई बोलती थी हमको, है ना प्यारी सी। देखो युवा को किटन पालनी है, तो कट्टू कर लेगी तो मुंह फुला रही है और पंजा मार देगी वह रेंदो, मतलब ऐसे ऐसे करेगी। ये बड़ा मजा आ रहा है, ये सोच रही है ये छोटा बच्चा मुझे परेशान क्यों कर रहा है, ये सोच रही है। ओह माय गॉड भाई साहब, ये आप देख रहे हैं लोकेशन, ये वही है जहाँ पे शी वेब सीरीज की शूटिंग हुई थी, और यहाँ पे अक्सर किस ना किस फिल्म की शूटिंग होती रहती है। ये भाई देख के लड़कियां रुक गई, सभ्या साची क्या लहंगा दिला दीजिएगा मुझे सभ्या साची से। ओके अब तो पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए जल्दी शादी कर। चलो ये वीडियो चल गया अगर, और हमारे सब्सक्राइबर इस साल 1,00,000 हो गए, आप मुझे लहंगा दिला रहे हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर 1,00,000 हो जाते हैं इस साल तो तुम्हारा लहंगा शादी का मैं दिला दूंगा। ये नहीं, इस कंडीशन पे ये नहीं, तो तुम अपील करो ना व्यूअर्स से, प्लीज प्लीज वॉच दिस वीडियो सब्सक्राइब। तो नहीं सर मैंने क्या रखी है, मुझे सभी साची मेरा पति दिलाएगा। हाँ तो अगर 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 कोई जो होने वाला पति बिट्टू का वही होगा, जो देख लो भैया पहले शर्त रख दी गई है, मुझे सभी साची का डुप्लीकेट भी चलेगा, बस तुम चाहिए मुझे जहाँ हाँ। भी हो मुझे जल्दी मिल जाओ। कहाँ हो भाई जल्दी मिलो प्लीज, जल्दी आ जाओ मुझे ले जाओ, काश ये डिस्काउंट में भी कहीं वो वी डोंट गो ऑन सेल, वी डोंट गो ऑन सेल, सो हो सकता है मुंबई में ही हो तुम्हारा सपनों का राजकुमार, क्या पता शाहरुख जाकिर कोई मिल सकता है। ये है पोरा फाउंटेन, बहुत ही फेमस जगह चल गट के, यहाँ पे लोग रील्स बनाते हैं शॉर्ट्स बनाते हैं, सुबह सुबह यहाँ पे आओगे तो एकदम लाइन लगी रहती है, यहाँ पर लाइन लगी जाएगी राइट। बहुत अच्छा, मतलब ये मैं निकल के जाता हूँ डेली, यहाँ से एवरी डे जाता हूँ, एवरी डे एवरी डे फोटो पहली बार खींच रहा हूँ, यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मुंबई लाइफ है ना, भागते रहो भागते रहो भागते, 2 मिनट लेट हो गए तो ऑफिस लेट, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू कम हियर ऑन संडे, द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू कम एवरी डे, आई हैव ऑल्सो कम ऑन संडे। अरे भाई वो पापा
बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। मुझे लग रहा है मुंबई के लोग यही जगह पर Are you hungry? No. No hungry. पीछे हमारे कैफे है, कौन सा कैफे पता है? कैफ है मोर देखो। You have eaten बड़ा पाव। You have eaten बड़ा पाव, so you are not hungry, but we are hungry, so we are going inside the cafe मोर देखो। Okay? चलते हैं कैफे मोर देखो। चाय भी के देखो बढ़िया। तो हमने चाय पी है, चाय बहुत अच्छी है। मुझे कॉफी कॉफी चाहिए, छुटकू को भी कॉफी चाहिए, मैं बहुत कॉफी पीने वाली आ गई। पहले कल भीख मांग रहे थे, आज अब भीख मांग रहा है। सभी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे ज्यादा ज्यादा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे भाई। अरे हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर हम लोग तो बैठे हैं यहाँ मरीन ड्राइव समुद्र के किनारे। मौसम आज भी एकदम बढ़िया साथ दिया दोस्तों, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई। अभी चलते एक घंटे बारिश ना हो तो हम यहीं बैठे रहें। क्या मज़ा आ रहा है यार, गजब। शिवा अपन ही देखे रहना तो मजा आया। बारिश बहुत तेज होने वाली है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जब बारिश में तो समझना फैक्ट्री हो जाता है, खतरनाक भी। लेकिन ईवा हमारे साथ है और हम भीग सकते हैं, भीगना नहीं चाहते क्योंकि कल पूरा दिन ये लोग भीगे हैं। आज ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, निकलना होगा गाइस। लेट्स गो। घूमते घूमते इतनी भूख लगाई थी ना, फिर अन्ना इडली देखा तो रहा नहीं गया, हमने सबको लेके चल दिया अन्ना इडली में। भाई साहब चर्च गेट पे अन्ना इडली है ना, साउथ इंडियन ऑथेंटिक खाना मिलता है, जबरदस्त। ये हमने ईवा मजा आ जाता है, हम देख ही रहते हैं। ऑर्डर कर दिया है दो चाय। आपके बोल रही हूँ, क्या चाहिए? मुझे पास्ता और चिली पनीर। चिली पनीर बोल तो लेकिन ये तो ना ये यहाँ नहीं मिलता, ये तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है ना। यहाँ पे आपको इडली मिलेगी, डोसा मिलेगा, उत्पम मिलेगा। क्या खाओगे? तो इडली खाओगे, डोसा तो इडली चिली पनीर यहाँ नहीं मिलता यार। हमने बहुत अच्छी चीज़ मंगाई आपके लिए।
छोटी छोटी वाली इडली, इतनी इतनी बड़ी इडली होती है, मस्त और एकदम मस्त मजा आ जाता है, वाह बहुत सुंदर। शैतान लड़की, हम अन्ना इडली में आ गए हैं, यहीं काम से निकल जाता हूँ, आज तक अंदर खाने नहीं आया, आज मुझे लेके आया हूँ अन्ना इडली के अंदर। भूख बहुत लग रही है, 5 बजे रहे घूमते घूमते, तो सुबह हम लोग 11 बजे निकले हुए, 11-12 के आसपास है ना, 12 बजे निकले खाते हैं इडली। तो हमने ऑर्डर किया है डोसा, डोसा डोसा इडली ऑर्डर की है, तो आपके लिए भी इडली ऑर्डर करवाई गई है, और मेरे लिए कोई पुडी इडली ऑर्डर की ना, दग ना जाऊँगा कहीं, तुम्हें लोग को बताऊँगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वहाँ से घूम घाम के, घर पहुँचने वाले हैं, हालत देख सकते हैं आप सबकी कैसी है, चेहरे उतरे हुए, एक पैर गिर चुका है, डाउन 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 डाउन, ईवा सो चुकी है, इतना ज़्यादा थक चुकी थी ईवा, तो आके वो बेचारी सो गई। हमने ईवा के लिए सरप्राइज़ लिया है, क्या लिया है दिखाओ, ये जब उठेगी ना इसको मिलेगा एकदम खुशी से पागल हो जाएगी, है ना, मजा आया गर्ल्स, एंजॉयड एंजॉयड गुड। तो दोस्तों तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो क्या करना है, यस चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करें, अभी तो हम मुंबई आए हुए हैं, अभी कितने वीकेंड आने हैं, हर वीकेंड पे आपको पता है ना मैं निकल जाऊंगा घूमने के लिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकेंड पे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आपको मिलते रहेंगे मेरे छोटे छोटे मिनी ब्लॉग, बाय बाय।